हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज अपन चले हैं फिर से संडे राइड पे। आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे राहुल मिलेगा हमें। और आज अपन दूसरे वाले रोड से जा रहे हैं क्योंकि उधर थोड़ा रोड ख़राब है। तो ठंड जो है दोस्तों डेली बढ़ती ही जा रही है और अब रजाई में से निकलने का मन नहीं करता, बट आप लोगों का ख्याल आ जाता है कि भाई व्लॉग शूट करना है, उसके बाद पोस्ट करना है। अब जो जिम्मेवारी ली है वो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं राहुल आया है या नहीं। उसको बोल तो दिया था कल ही कि भाई टाइम से आज ही, लास्ट टाइम की तरह लेट मत होना। तो देखते हैं, आपको मिलेंगे आगे। 5 minutes later तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं टोल प्लाजा पे और राहुल का कर रहा था मैं वेट, बट अभी उसका फ़ोन आया है कि उसकी बाइक की बैटरी डेड हो गई है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो अब मुझे राइड अकेले ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो अपन चलते हैं और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और इस ब्लॉग को पूरा करते हैं। आपको मिलते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स राहुल की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, वो कह रहा है कि उसकी बैटरी जो है वो डेड हो गई है, तो इस वजह से वो आज आ नहीं पाया। बट अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और ठंड आज बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा ठंडी। मन तो मेरा भी नहीं था बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोटी सी राइड ही कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी बाइक में जो है मिरर्स लगवा लिए हैं क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं हमारे साथ जिसकी वजह से ये लगवाने पड़े हैं। और अब वैसे भी सर्दियां आ चुकी हैं तो कोई पता नहीं होता कौन किधर से आ जाए, तो इस वजह से ये लगवा लिए मैंने। बट यार रॉयल एनफील्ड वाले बहुत महंगी चीज़ें देते हैं, वो डायलॉग है ना, हाथी हर कोई पाल लेता है बट उसको खिलाना सबके बस की बात नहीं होती। यार 400 के 600 के 1200 रुपए के मिरर्स बताए, तीन इतना, तीन वेरिएंट हैं, कोई से भी ले लो। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर मैंने अपने घर में ढूंढा कि इसके साथ जो मिरर्स आए थे वो आखिर कहाँ गए, पर अभी ट्रक का टायर फट गया जो कि बहुत गलत हुआ। पंचर तो बहुत ही बुरी चीज होती है, मैंने फेस किया है पंचर, 2.5-3 किलोमीटर बाइक खींची है। हाँ तो हम थे इनका सामान, बहुत ही महंगा आता है रॉयल एनफील्ड वालों का। मैंने कहा भाई मेरे घर पुराने पड़े हैं, मैं तो वही लाके लगवा लूँगा, और अपना काम चल गया। हालांकि इस वाले से कुछ खास नहीं दिखता, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, बराबर का तो दिखता है बट पूरा पीछे का नहीं दिखता राइट वाले की तरह, पता नहीं। खैर अपना काम चल गया और अपनी बाइक हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ओह बहुत ठंड हो रखी है, इस ठंड ने तो मेरी लंका लगा दी। वो वाला डायलॉग याद आ रहा है मुझे जाकिर खान वाला कि मर्द को दर्द नहीं होता पर ठंड लगती है। हाँ ठंड लग रही है मुझे, दर्द दर्द नहीं होता मैं। देखते हैं आज छोटी सी राइड करेंगे, यार हाथ पूरे जम गए मेरे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों अब कि मुझे ये वीडियो का एंड यहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत आए। थोड़ा सा आगे और चलते हैं और उसके बाद यू टर्न लेते हैं और अपना घर चलते हैं वापस।
आई थिंक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है आज का, और हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा ठंडी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अगर आज का वेदर थोड़ा और बेटर होता तो हम लोग मुरथल जाने वाले थे आज। वहाँ प्लान था कि प्लेन वाले रेस्टोरेंट में जाने का, बट राहुल और पहले ही जा चुके हैं वहाँ। मैंने कहा क्या फ़ायदा, एक ही जैसा कंटेंट हो जाएगा, तो अपन ने कैंसिल कर दिया। छोटा सा सोचा था, एक छोटी सी राइड हो जाएगी, बट उसकी बाइक ने साथ नहीं दिया, उसकी बैटरी डेड हो गई। ये स्पोर्ट्स बाइक का यही घाटा होता है, जब ये खड़ी रहती हैं तो इनकी बैटरियां ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाती हैं। हमारी वाली को देख लो, एक महीना खड़ा कर लो, दो महीना खड़ा कर लो और एक किक में स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए तो इसका नाम लेला है रॉयल एनफील्ड, इट्स अ लेगेसी नॉट अ बाइक। कहाँ से मुड़ेगा भाई, पूरा रास्ता कवर कर लिया। तो वीडियो पे आप लोग बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, बट सब्सक्राइब कम कर रहे हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जल्दी से 800 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया उसे मैं पूरा कर सकूँ। जो प्रॉमिस था वो मैंने पिछली वीडियो में किया था, उसके लिए मैं उस आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा ही अंतर रह गया टारगेट में, तो उसको पूरा करवाइए। इस गाड़ी पे ये जो चीज़ लेज़र बीम जो लगी हुई है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी हुई है, क्योंकि ये लाइट्स कई बार ये होता है कि ज़्यादा धुंध पड़ती है तो दिखती नहीं है, बट ये काफ़ी दूर तक रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं काफ़ी दूर से देखता आ रहा हूँ। मैं भी ऐसी अपनी बाइक में लगवाऊँगा ट्रिप पे जाने से पहले। और सबसे ख़राब चीज़ आधा रोड बना के, ये देखिए ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, एज्ड पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इनकी बैक वगैरह में दिक्कत होती है। फ्रेंड्स ऐसी कुछ रही अपनी अनकम्प्लीट संडे राइड, ठंड काफ़ी हो गई है और ये सब दर्द करने लग गई हैं उंगलियां, तो इस वजह से अपन को ये अनकम्प्लीट बोलना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ रही आज की अपनी अनकम्प्लीट संडे राइड, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। और टूर भी प्लान हो चुका है, इसके बारे में अगले ब्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट संडे में, तब तक राइड हार्ड, राइड सेफ, सी यू सून फ्रेंड्स।